मेरा लेओवर खराब हो गया। I wanna light up the sky tonight. Oh, I need a sign. I need. Hello guys, welcome or welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और इस टाइम हम आ चुके हैं फ्रांस में और जस्ट ये जो साइड में आप देख रहे हो ये मेरा होटल है एंड होटल के पास ही जस्ट रोड क्रॉस करके यहाँ पे बीच है एंड ये बीच इतना पीसफुल है यहाँ पे। मेरे को जब मैं आई ना तभी मेरे को था कि मैं जल्दी से फ्रेश होके यहाँ पर आऊँगी एंड अकेले ही आई हूँ मैं, कोई आया नहीं है हमारा। बेसिकली इस टाइम मैं जिन क्रू के साथ मतलब फ्लाई कर रही हूँ इतना कोई इनिशिएटिव नहीं लिया किसी ने बाहर जाने के लिए, बट इट्स ओके नाउ वी ऑल आर ग्रोन अप सो एटलीस्ट मैं खुद बाहर तो आ ही सकती हूँ। और जस्ट होटल के ही पास में था तो मैंने कहा एटलीस्ट यहाँ पे मैं अकेले जा ही सकती हूँ तो चलते हैं। एंड या मैं बहुत ही प्यारा लाइक यू नो सो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है और यहाँ का पानी कितना ब्लू है। लाइक एक इंडिया में जैसे जो सी वगैरह होता है वो थोड़ा सा ना इसे कैसे बोलूँ मैं थोड़ा ब्राउन में आता है, बट यहाँ बाहर के जो ये सारे होते हैं ओशन वगैरह इसका जो पानी होता है एकदम ब्लू होता है। एंड ये पूरा यहाँ का है, यहाँ पे सारा बैठने का एंड वहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ ये है रेडिसन। सो ये पूरा होटल जस्ट पास में ही है तो मैंने कहा आराम से मैं यहाँ रह सकती हूँ एंड वो पूरा वहाँ पे सिटी है, बट इस बार कोई जा नहीं रहा है तो मैं अकेले उतना दूर तो नहीं जाऊँगी, मे बी नेक्स्ट टाइम कभी। तो आज के व्लॉग में इतना तो कुछ खास होने वाला है नहीं। मैंने पहले सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊंगी ही नहीं, बट देन आई थॉट कि क्यों नहीं मैं बनाऊं, मैं बनाऊंगी व्लॉग एंड एटलीस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि जब आपके साथ कोई क्रू नहीं जाता तो आप क्या क्या कर सकते हो एंड क्या। सो अभी देखेंगे, अभी तो मैं यहीं बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से उठ के और कहाँ जाऊँ। देखूँगी थोड़ी देर यहाँ पर ऐसे ही चलूँगी फिरूँगी एंड बिकॉज सनसेट भी होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि सनसेट देख के फिर मैं वापस रूम में जाऊँ। और आज के ब्लॉग में थोड़ा चप्पड़ चप्पड़ ज़्यादा होगा बिकॉज मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। सो या गाइस स्टे ट्यून एंड ये धीरे धीरे लहरें भी बढ़ती जा रही हैं। मैं यहीं जस्ट सामने ही बैठी हुई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हमारे इंडिया में कैसे वो बीच टाइप का होता है ना, बट यहाँ पे सारे ऐसे जो भी ये स्टोन्स वगैरह पड़े हुए हैं। सो जैसे जैसे शाम हो रही है ना वैसे वैसे लहरें। सो आई एम गोना डू वन थिंग नाउ, आई विल गेट अप एंड थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या पता कुछ खाने पीने को ही मिल जाए। और खाने पीने को चलो मैं लेकर आई हूँ, बट मैं यहाँ से गिरूँ ना आराम से बस उठते उठते, तो मैं पहनी भी मैंने बूट्स है। सो बेसिकली मैं कुछ लेके नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था, मैंने बताया जैसे कि मैंने चेक किया तो ठंडी दिखा रही थी बट यहाँ ठंडी है नहीं, तो उस हिसाब से मैंने बूट्स रख लिए। अभी नेक्स्ट टाइम से मुझे लग रहा है ना एक एक्स्ट्रा चप्पल वप्पल भी रखना पड़ेगा मुझे, कब क्या भरोसा किसी चीज़ का। तो माई नेक्स्ट टारगेट इज़ कि मुझे यहाँ से यहाँ चढ़ना है, वो भी अपने बूट में, जो कि मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ। सो आई एम गोना गो फ्रॉम देयर, क्योंकि गिरूँगी यहाँ पर छड़ाम से पाँच लोगों के सामने वो अच्छा नहीं लगेगा एंड मैं चढ़ चुकी रहूँगी और मैं चढ़ गई। तो अभी समझ नहीं आ रहा उधर जाऊँ या फिर इधर, सो चलते इधर। और मेरी परछाई कितनी लंबी लग रही है, मेरे से भी लंबी इसकी हाइट है। तो वी गोना गो देयर, उस साइड चलते हैं बिकॉज इस साइड इतना कुछ दिख नहीं रहा है। कैन थ्रो द स्टोन, लेट्स सी। हम लोग बचपन में बहुत लोग सभी खेलते हैं ये चीज, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। सो लेट्स ट्राई दिस वन। ओके ए यार यही पास नहीं क्या, लेट्स ट्राई मोर, थोड़ा बड़ा लेके देखते हैं, थोड़ा दूर गया। वो इंस्टाग्राम पे मीम्स आते हैं ना कि स्टोन फेंक रहे थे, स्टोन फेंकते 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 फ़ोन ही फेंक दिया, इसी में स्टोन रख दिया, पता चला स्टोन फेंकते फेंकते मैंने फ़ोन ही फेंक दिया पानी में। एक ही फ़ोन है मेरे पास बेचारा, वो भी चला जाएगा तो क्या ही करूँगी मैं। सो नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ इज़ दैट आई एम गोना गो एंड सिट देयर। मैं सोचूँ उधर जाके थोड़ी देर बैठूँ, ये पता नहीं मेरे कैमरे के फोकस को क्या हो गया है। सो उधर जाके बैठने की सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर। ये सारी चीज़ें मैंने बस मूवीज़ में देखी हैं, आज मैं रियल लाइफ में अपनाने की कोशिश कर रही हूँ एंड या सो ये मैं आ गई हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट। काश मेरी यहाँ कोई फ़ोटो क्लिक कर देता लिटरली, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। आई नो ये व्लॉग देखने के बाद मम्मी मेरे को सुनाएगी, बट या एंड मुझे यहाँ संभाल के रहना है, कहीं फ़ोन वोन गिर गया ना हाथ से।
सो मैं ज्यादा कोने में जाके नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ किनारे पे बैठी हूँ जहाँ से मतलब रास्ता पास में है पीछे जाने का, क्योंकि डर मुझे भी लगता है। तो मैं वैसे ये सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेफ नहीं है, बस इसीलिए मैं थोड़ा सा आई थी कि मैं देखूँ क्या है ये सब बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे, बट मैं किनारे में नहीं गई क्योंकि मुझे ना थोड़ा समुद्र को देख के भी डर लगता है, पता नहीं क्यों, जब थोड़ा रात होने लगता है ना फिर मुझे समुद्र देख के डर लगने लगता है, सो इसीलिए। अदरवाइज यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। सो दैट थिंग जहाँ पे आपको बहुत सारे घर वगैरह दिख रहे हैं, दैट इज सिटी। एंड ये मतलब चलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है इस पर, वरना मैं सिटी भी चलते चलते पहुँच ही जाती, एंड या इसीलिए। और जस्ट क्योंकि मेरी मम्मी पापा थोड़े टेंशन में आ जाते हैं कि मैं घर से मतलब मैं ले ओवर पर अकेले ना निकलूँ, सो फॉर देम सेफ्टी द होटल इज़ राइट देयर। सो मैं कहीं दूर नहीं गई हूँ, मैं जहाँ भी जा रही हूँ होटल मेरे पीछे दिख रहा है। तो आई होप वो लोग ऐसे टेंशन में ना आए, क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे बोलती हैं जब ऐसे ऐसे मैनचेस्टर में मैं निकल गई थी रात को अकेले, तो मेरी फैमिली में जितने लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं सबने मम्मी को भी बोला था, पापा के फ्रेंड्स ने भी उन्हें बोला था कि उसको बोलो ऐसे अकेले ना निकले। तो मैं इसीलिए उस टाइम से अकेले नहीं निकलती हूँ, ऑब्वियसली वो लोग भी अपनी जगह सही हैं, तो मैं इसीलिए दिन में निकल गई, बट पास में ही हूँ, कहीं दूर नहीं गई। मैं सोच रही जाऊँ और किसी अननोन इंसान को बोलूँ मेरी फोटो ही क्लिक कर दे यार। यार मेरे को ना फ्रांस घूमना था, ये क्या बकवास ले ओवर है। मैं ऐसे बैठी हूँ फीलिंग सैड इन फ्रांस, सो ऐसा कितना वो हो रहा है ना, इतना सैड फील हो रहा है, फ्रांस में सैड फील करने आई हूँ मैं, बताओ। दुबई से इतनी लंबी फ्लाइट करके जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू फील सैड आई केम टू फ्रांस, लाइक सीरियसली। कितना समुद्र देखूँ यार, मैं भी ना थक गई हूँ, समुद्र इज लाइक नेवर एंडिंग। मैं बचपन में हमेशा सोचती थी मतलब कहाँ जाके ख़त्म होता होगा, कहाँ जाके मतलब आप देख रहे हो मतलब दूर दूर तक कुछ दिखता ही नहीं है, वो तो दूर जाके आसमान और समुद्र दोनों एक हो जाते हैं, है ना। बट दिस इज सो ब्यूटिफुल, समटाइम यू सिट एंड जस्ट वॉच द नेचर, एंड वहाँ पे सनसेट भी हो ही गया, दैट ऑल्सो लुक सो ब्यूटिफुल। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, ये सारे गोरे मुझे क्यों देख रहे हैं, मैंने क्या कुछ अतरंगी पहन रखा है कपड़े जो मुझे सब देख रहे हैं, या फिर मैं किसी दूसरे ग्रह की लग रही हूँ, जिसको देखो मुझे ही देखे जा रहा है, हद हो गई है। मतलब इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इंडियंस भी हैं, उन्हें कोई नहीं देख रहा है, मुझे ही देख रहे हैं सारे के सारे, चुपचाप यहाँ बैठी हुई हूँ मैं। चंदा मामा इज ऑल्सो हियर। टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग माई व्लॉग राइट नाउ, गाइज आई एम सो सॉरी, दिस टाइम I'm not showing you the city because मेरे को खुद देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको कहाँ से दिखाऊँ। आप लोगों को मेरी शक्ल ही देखनी पड़ रही है इस व्लॉग में, आई नो आप लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा, क्योंकि ना पता नहीं क्यों, आई जस्ट विश आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे, मेरे चपड़ चपड़ मेरी बातें सुन के। मैं ना आज एकदम ऐसा फील कर रही हूँ जैसे एक इंसान का ब्रेकअप नहीं हो जाता फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के रोता है, यार मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ, आज मैं कैमरे में आप लोगों के साथ बैठ के रो रही हूँ, यार आज मेरे साथ क्रू ने ऐसा किया, कोई भी क्रू बाहर नहीं गया, बदतमी। अच्छा है हिंदी में बोल रही हूँ, किसी को समझ नहीं आएगा सारे अंग्रेज। गाइज आई एम जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि आज के टाइम पे ना मैं एक चीज़ देख रही हूँ, YouTube पे ना इंसान कुछ भी बोल दे उसको लोग करेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। अगर मैं बोल दूं कि मतलब ये पानी नीला है और इंडिया का जो पानी है वो खारा दिखता है, वो उस पर भी लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाएगा, उस पर भी लोग आके मुझे मेरे को ज्ञान बांट के चले जाएंगे, तुम देशद्रोही हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बट ये नहीं देखेंगे कि मैं कोई चीज़ को कंपेयर। तो मैं ना कई बार सोचती हूँ कि यार क्या करूँ, मैं मुंह बंद कर लूँ, क्या करूँ, मैं कुछ बोलने से 100 बार सोचूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, एक इंसान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता है, सो जस्ट टेक इट एज अ जोक जो भी मैं बोलती हूँ, क्योंकि सीरियस तो मैं वैसी भी नहीं हूँ, मजाक में मजे ही लेती रहती हूँ, सो या आई एम सो सॉरी फॉर द चप्पड़ चप्पड़, मेरा ले ओवर खराब हो गया। और मेरे को इस टाइम पे ना एकदम वो वाली फीलिंग आ रही है, वो लंदन मूवी में नहीं थी कंगना रनौत, लंदन बोली क्वीन मूवी में नहीं थी कंगना रनौत ऐसे ही कहीं बैठ के रो रही होती है कि उसकी शादी टूट गई, मैं यहाँ रो रही हूँ मेरा ले ओवर खराब हो गया।
मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर जाऊँ, ये जो है ना रोड पे जाऊँ और किसी को बोलूँ पकड़ के कि मेरी दो तीन फोटो क्लिक कर दे, बट मैं सोच रही हूँ ना ही क्लिक करूँ क्योंकि इतना तो कोई खास है नहीं, समुद्र ही है भाई, हर जगह दिख जाता है, बट यहाँ फोटो क्लिक करा के क्या करूँगी मैं। दूसरी चीज, मैं अपना फोन अब किसी को पकड़ा नहीं सकती क्योंकि रोम में जो इंसिडेंट हुआ है ना मेरी कलीग के साथ, उसको जूता चोरी हुआ है, मेरे को ना यहाँ पे अपना एक सामान भी देने, फोन का कवर भी देने में डर लगता है। और ये हाँ, तो मेरे को ना अभी डर लगता है क्योंकि यहाँ पे तो फोन फोटो क्लिक करने के लिए दे रही हूँ, फोटो लेके फोन ही लेके भाग गया। शुभ शुभ बोलो मुस्कान, तुम अकेली हो यहाँ पर अभी, बट वही मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं खींचूंगी फोटो, मैंने जो खींची है मैं वही डालूंगी इंस्टाग्राम पे, बस खत्म बात। तो अब क्योंकि शाम हो रही है तो मैं सोच रही हूँ रूम पे ही चलती हूँ, क्या ही करना है यहाँ बैठ के अभी, और देखूँगी क्या करना है। चलो रूम में रूम टूर दिखाती हूँ आपको, मैं रूम का टूर करके दिखाऊंगी, लेट्स गो, चलते हैं। आप अभी बहुत ही बारीकी से यहाँ पे उतरना है से, अब सोचो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊँ, हर जगह जा जा के बैठूंगी मैं। सो यहाँ से भी आप पूरा लुक देख लो, आई नो आप लोग भी सारी चीज़ें देख देख के पक चुके होंगे, बट देखो क्योंकि मैं देख रही हूँ तो आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। लोग पूछते हैं ना कि अरे ये तुम बाहर गए थे तुम क्या करके आए, तुम अरे वहाँ गए थे तुमने क्या किया, लोग मेरे से पूछेंगे ना तुम फ्रांस गए थे तुम क्या करके आए, मैं बोलूँगी हर कोने में बैठ के आई हूँ, वहाँ पे जमीन पे मिट्टी पे पत्थर पे बेंच पे हर जगह बैठ के आई हूँ मैं, और बहुत मज़ा आया मुझे फ्रांस के लेवर पे बैठने में भी और बस नज़ारा देखने में। सो अब चलते हैं अपने होटल में क्योंकि यही है हमारा सहारा। अब शाम को कितना अच्छा लग रहा है, वेल इसको आप कह सकते हो तो ठंडियों वाला गोवा नहीं होता, जैसे गोवा में ठंडी पड़ती है तो काइंड ऑफ ठंडी वाला गोवा और मुंबई वाला सीन ही लग रहा है मुझे। एक तो ये गाड़ियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, इधर से लेके उधर तक जाने में मुझे अभी खड़े खड़े 5 मिनट हो गए हैं और वहाँ तक जाने में सोचो कितना टाइम लगेगा। आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है बट ट्रैफिक रुक नहीं रहा है तो मैं इसको प्रेस कर देती हूँ, पता नहीं क्या, पता रुक जाए, पता नहीं क्या ही लिखा है इसमें। उधर से इधर तो आ गया, पता नहीं इधर से उधर जाने में कितना टाइम लगेगा। मेरी ज़िंदगी आज मजाक बन रही है, क्या बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, तो मैं लौट के वापस होटल ही आ गई। सो दिस टाइम वी आर स्टेइंग इन रेडिसन एंड इसमें मैं बहुत टकराती हूँ सो मुझे समझ नहीं आ रहा है इधर जाना है। एंड ये क्रिसमस ट्री मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, एंड दिस इज़ आवर होटल जैसे काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है। बस अब चलो रूम में, बहुत हुआ आज घूम लिया, घूम घूम के थक गई, इतना घूमी हूँ कि थक गई हूँ घूम घूम के, मतलब इतना बेस्ट लेवर मेरी जिंदगी का कि मैं क्या ही बताऊँ। पाँव दर्द हो रहे हैं, घुटनों में दर्द हो गया घूम घूम के आज मेरा। चलो तो अभी क्या करते, कुछ रहा तो है नहीं तो होटल टूर रूम टूर यही कराऊंगी। सो ये हमारा कॉरिडोर है, देख लो अच्छा है काफ़ी, होटल काफ़ी अच्छा, रेडिसन के होटल्स एक्चुअली अच्छे होते हैं। और ये है मेरा रूम, रूम में एंटर करने के साथ ही हम लगाएंगे यहाँ पे चाबी, उसके बाद अपने ही रूम में हूँ ना मैं। हाँ सो गाइज दिस इज माई रूम एंड यहाँ मेरा बैग है, यहाँ पे ये अलमीरा है, अलमीरा में क्या है इतना कुछ खास नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। एंड ये यहाँ पर मैं बेचारी थकी हुई बच्ची। मूविंग फॉरवर्ड दिस इज माई वॉशरूम जो कि काफ़ी अच्छा है एंड बस वॉशरूम आजकल अच्छे ही मिल जा रहे हैं मुझे, और ये मैं बेचारी थकी हारी दुखियारी, बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रही है मुझे और कुछ नहीं, बस आ रही है गुस्सा, निकाल नहीं पा रही हूँ मैं, कि कोई बात नहीं मैं बता रही हूँ नेक्स्ट टाइम फ्रांस आऊंगी ना आग लगा दूंगी यहाँ पे, कोना कोना घूम के जाऊंगी, सारी चीजें घूमूंगी, इतनी फोटो खींचूंगी कि
फोन की गैलरी तक मेरे को जवाब देनी होगी, मुस्कान बस कर फोटो कितना खींचेगी। मुझे आज बहुत गुस्सा आ रही है, ऐसे क्रू भगवान मेरे को मान देना आगे से लिटरली। Hey guys, good morning. So, हो चुकी है सुबह, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। और अभी मेरे साथ क्या फनी थिंग हुआ है कि मैं रेडी तो जल्दी हो गई क्योंकि मुझे टाइम का पता नहीं था। और अभी मेरे पास अभी एक्चुअली में एक घंटे बचे हुए हैं यहाँ पे। कल मैं थक गई थी, फिर मैं सो गई। मैंने कहा इट्स ओके, अभी कुछ इतना कुछ खास तो किया है नहीं मैंने फ्रांस में, बस मम्मी से बात किया एंड मैं सो गई। और बस अभी बस निकलेंगे हम लोग, एक घंटे के अंदर निकलते हैं। और मेरे को बड़ी खुशी हुई जब मैं तैयार होंगी ना, फिर मेरे को पता चला अभी आपके पास 1 आवर 15 मिनट्स है, 1 आवर 15 मिनट्स। सो बस चलते हैं थोड़ी देर में। गाइज, आई जस्ट थॉट ऑफ एंडिंग दिस व्लॉग हियर। आई नो दिस इज नॉट अ गुड व्लॉग विच यू गाइज माइट हैव एक्सपेक्टेड कि फ्रांस का ले ओवर है, कहाँ गए होगे, कहाँ नहीं गए होगे, बिकॉज मैं कहीं नहीं गई। एंड दिस इज एक्चुअली होता है ये चीज़, आपको मे बी आगे चलने के बाद भी व्लॉग में देखने को मिले। जैसे कि मैंने अपने कुछ पिछले व्लॉग्स में भी बोला है, कई बार आपको ऐसे क्रू भी मिलते हैं जो कि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कहीं जाने में, एंड ऐसा होता है। सो आज वो ये ले ओवर काइंड ऑफ सेम ले ओवर था जो कि मेरा इस ईयर का लास्ट ले ओवर था। आई लिटरली वॉन्टेड दिस ले ओवर टू बी द नाइस वन बिकॉज दिस इज द लाइक यू नो दिस इज दिस ईयर्स लास्ट ले ओवर, इस साल का। इसके बाद मेरी मतलब 2023 में ही जो है फ्लाइट्स हैं। सो बट एनीवेज इट्स ओके, मैंने अपनी रेस्ट पूरा किया, मैं अच्छे से सोई, मैंने अपना पूरा यू नो सब कुछ अच्छे से अपने बॉडी को रेस्ट दिया, तो कोई बात नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और मैं खुद बाहर गई, खुद अकेले मैं थोड़ी देर बैठी एंड मैंने सनसेट और थोड़ा बीच के पास बैठ के थोड़ा इंजॉय किया, तो वो भी हम उसको भी कंसिडर करते हैं इस चीज़ में। बट दिस इज हाउ इट इज, आपको कभी अच्छे क्रू भी मिलेंगे बट कई बार ऐसे भी क्रू मिलेंगे जो बहुत बोरिंग होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मे बी आप में से काफ़ी लोग मुझे जज भी कर सकते हैं, बट दिस इज माई थाट, दिस इज माई परसेप्शन कि दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस एविएशन इंडस्ट्री, दैट जैसा लगता है ना लाइफ एक्चुअली में वैसे होती नहीं है। हर बार आपको ये नहीं है कि हर बार आपको अच्छे क्रू और अच्छे लोग ही मिले, ऐसा नहीं होता है। सो या, सो नाउ आई एंड दिस लाइव वीडियो हेयर, लाइव वीडियो बोल रही हूँ, सो आई एंड दिस व्लॉग हेयर। एंड इफ अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, नहीं अच्छा लगा है कोई बात नहीं। एंड अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड सी यू इन द बाय।